जैन साथियों मैं रोहित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हां जैन साथियों मैं रोहित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एमपी एग्जाम सवाई एग्जाम पोर पर उम्मीद आप सभी बढ़िया होंगे कैसे आप सभी फटाफट पड़ से एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप सभी कैसे हो मेरी आवाज वगैरह आपको प्रॉपर आ रही है आ। चलो मेरी आवाज वगैरह आप सभी तक आ रही होगी कौन है आ रही है। चलो हाँ आ रही है ना आवाज आ रही है प्रॉपर गुड जय हिंद जय हिंद चलो स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को शुरू करते हैं पहले तो फिर उसके बाद में हम आगे चलेंगे और फिर आगे बात करेंगे पहले तो हम क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं चलिए ठीक है बढ़िया आगे चलते हैं तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है फर्स्ट क्वेश्चन से सीधा क्लास को स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आपसे कहा गया है निम्नलिखित निम्नलिखित में में से 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 ध्यान से देखो से क्या करना है वस्तुओं का कौन सा जोड़ा निकट स्थानापन्न है मतलब इनमें से कौन सा जोड़ा है जो कि स्थानापन्न है जिसको बदला जा सकता है क्लोजली सब्सटीट्यूट है मतलब सब्सटीट्यूट है एक तरीके का वो कौन सा है वाली चीज इसमें से कौन सी है तो अगर जैसे सपोज स्थानापन्न का मतलब है हाँ <laughs> स्थानापन्न का मतलब है कि अगर आपको आपके जैसे सपोज आप शर्ट पहनते हैं ठीक है नॉर्मल आप शर्ट पहनते हैं और शर्ट के दाम बढ़ते जा रहे हैं शर्ट महंगी होती जा रही है तो उस कंडीशन में आपके लिए स्थानापन्न के तौर पे टी शर्ट रहेगी नॉर्मली जस्ट एन एग्जांपल मैंने आपको लिया तो आप, आप उस आप टी शर्ट पहन सकते हो मतलब वो चीज की जिससे आप उस चीज को रिप्लेस उसका सब्सटीट्यूट रिप्लेस कर पाए चेंज कर सकते हैं अगर करना चाहे तो दूध से क्या शक्कर रिप्लेस मतलब अगर दूध के दाम में बड़े बढ़ोतरी होगी तो उसको शक्कर से जैसे खीर बनानी है या फिर दूध का वाला कोई दूध का कोई भी प्रोडक्ट बनाना है उसमें च, चीनी का प्रयोग कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं शक्कर और चाय इनका भी कोई भी संबंध नहीं है चाय और कॉफी हाँ ये संबंध है कॉफी और बिस्किट संबंध नहीं है मतलब चाय और कॉफी जैसे सपोज मान लेते हैं कि चाय के कीमत में वृद्धि हो रही है चाय की कीमत बढ़ रही है चाय महंगी हो रही है तो चाय अगर महंगी होती है लोगों को चाय पसंद है हाँ, कि इश्क तो हम भी कर लें, इसको तो हम भी कर लें पर एक शर्त है कि उसको चाय पसंद होनी चाहिए लोगों को चाय पसंद है लोग चाय के लिए बहुत बेताब रहते हैं अब जब लोगों को चाय पसंद है लोग बेताब रहते हैं तो फिर वही बात है ना कि ये तो चाय की बात हो गई कि चाय की कीमत में वृद्धि हो रही है अब चाय की कीमत में वृद्धि हो रही है लेकिन जेब गवारा नहीं दे रही जेब कह रही कि नहीं इतना पैसा हमारे पास नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि स्थानापन मतलब वहां उसकी जगह कॉफी की कीमत में कॉफी के दाम कम है तो उसको रिप्लेस किया जा सकता है आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं ठीक है आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं तो हां क्लियर चलो आगे चलते हैं आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अगला सवाल देखो आपसे कहा है कि बताओ पूंजी बाजार में जो कैपिटल मार्केट है उसके उसमें अगर आपको लॉन्ग टर्म दीर्घावधि निधि प्राप्त की जा सकती है या तो कुछ संस्थाओं से उधार लेकर या फिर कैसे मतलब अगर जो आपका कैपिटल मार्केट है कैपिटल मार्केट में अगर आपको लॉन्ग टर्म में क्या करना है लोन लेना है लॉन्ग टर्म में अगर आपको लॉन्ग uh, टर्म के लिए लोन लेना है तो वो कैसे ले सकते हैं वो आप कैसे ले सकते हैं चलो क्लियर हुआ यहां तक तो आप देखो जब बात करेगा कैपिटल मार्केट की पूंजी बाजार की तो पूंजी बाजार की जब बात की जाती है इसमें आप याद रखिएगा कि आ, नोट जारी करके सरकार से ऋण लेकर जाता है प्रतिभूतियां जारी करके जो कि विदेशी संस्थाओं से तो यहां पर नोट जारी के कर, करने से नहीं हो सकता मतलब वो नोट जारी कहां से करेगा नोट जारी करने का काम आरबीआई का है भारतीय रिजर्व बैंक का है ठीक है नोट जारी पूंजी बाजार कहां से नोट जारी कर देगा ये सोचने वाली बात है नोट जारी करने का अधिकार केवल किसके पास है भारतीय रिजर्व बैंक के पास तो यह नोट तो जारी नहीं कर सकता सरकार से ऋण लेकर तो सरकार से जब ऋण लेने की बात आती है तो यहां पर दीर्घ अवधि दी निधि प्राप्त की जा सकती है वो लंबे टाइम के लिए करनी है लेकिन जब सरकार से जो ऋण लिया जाता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है टेक लोन फ्रॉम द गवर्नमेंट ये कैपिटल मार्केट में लंबे लॉन्ग टर्म के लिए जाना है मतलब लॉन्ग कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए तो उस कंडीशन में आप, आ, आ, और और एक चीज और याद रखना है प्राइमरी मार्केट शॉर्ट टर्म मार्केट होता है लेकिन जो आ, कैपिटल मार्केट होता है ना जिसकी हम बात कर रहे हैं जो कैपिटल uh, मार्केट है पूंजी बाजार ये लॉन्ग टर्म मार्केट होता है तो इसमें यहां पर सरकार से ऋण का कोई संबंध नहीं है ये प्राइमरी मार्केट मार्केट का काम है ये प्राइमरी मार्केट का ये बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसे करती हैं जो बड़े बड़े uh, संस्थान होते हैं जैसे uh, किसी भी राज्य सरकार को पैसा चाहिए उसने किसी बिजनेसमैन uh, से ले लिया तो ये आपका प्राइमरी मार्केट का काम है प्राथमिक बाजार में चला जाएगा पूंजी बाजार का पार्ट नहीं है वहीं अगर हम बात करें प्रतिभूतियां जारी करके आप देखते हैं कि आपको सिक्योरिटीज इश्यू कर दी जाते हैं विदेशी संस्थाओं से लोन ये प्राइमरी ये ये प्राथमिक सेक्टर का है ये भी प्राथमिक उसका है नोट जारी करता है आरबीआई प्रतिभूतियां जारी की जा सकती हैं यहां पर तो आप ये याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा आंसर आपका सी होगा क्या करके प्रतिभूतियां जारी करके ऐसा किया जा सकता है राइट आंसर right आगे देखो अगला प्रश्न है कि अल्पावधि देखो जब अल्पावधि की बात आती है ना अल्पावधि का मतलब है कि शॉर्ट टर्म के लिए लंबे टाइम के लिए बात नहीं कर रहा है यह शॉर्ट टर्म की बात कर रहा है शॉर्ट टर्म से क्या मतलब है शॉर्ट टर्म का मतलब होता है थ्री सिक्सटी फोर डेज और वन ईयर मतलब तीन सौ थ्री सिक्सटी फोर डेज तीन सौ चौसठ दिन और एक साल तीन सौ पैंसठ दिन क्यों नहीं तीन सौ पैंसठ दिन का मतलब एक साल में सर तीन सौ पैंसठ दिन होते हैं लेकिन आपने तीन सौ चौसठ दिन क्यों बोले तीन सौ चौसठ दिन इसलिए बोले क्योंकि तीन सौ चौसठ दिन तक तो पैसा रहेगा तीन सौ दिन वापस करना है वो आपका प्राइमरी मार्केट में चला जाएगा एक साल के भीतर भीतर वापस करना है और अगर यहां पर एक सौ दिन हो जाएंगे तो उस कंडीशन में तो नेक्स्ट ईयर चला जाएगा ना अगले साल में चला जाएगा वो चीज नहीं होनी चाहिए आपसे क्वेश्चन बस इतना ही क्लियर करना चाह रहा है ठीक है तो अल्पावधि में निम्न में से कौन सा संभव नहीं होता है जब अल्पावधि की बात की जाती है शॉर्ट टर्म की बात की जाती है कौन सा संभव नहीं हो पाता है मतलब बाकी के संभव हो सकते हैं तो कह रहा है कार्य के समय को बढ़ाना भैया कार हाँ तो मैं शॉर्ट टर्म लोन की मैंने बात कर दी लेकिन हाँ तो कार्य के समय को बढ़ाना तो आंसर ये ये, ये अल्पावधि में किया जा सकता है लेकिन जो आपका प्रौद्योगिकी का उन्नयन है वो नहीं हो सकता अगला प्रश्न देखो हाँ वो मैंने शॉर्ट टर्म मार्केट का एग्जाम्पल आपको दे दिया कोई बात नहीं अगला है भारत में कृषि आय को मापने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है कृषि आय को मापने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दो सभी हाँ फटाफट पड़ से सभी लोग अब जब बात की जाएगी कि कृषि यहां पर आपसे कहा गया है कि कृषि आय को मापने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है देखो एक प्रश्न आपसे यह भी पूछा जा सकता है जो आपका कृषि की जब बात आती है तो कृषि क्रांति किसको कहते हैं तो हरित क्रांति को कृषि क्रांति के नाम से भी जाना जाता है और जब कृषि आय की बात कर करी जा रही है किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है कृषि आय को मापने के लिए तो आंसर इसका हो जाएगा उत्पादन पद्धति को उत्पादन पद्धति को कि कितना कृषि में उत्पादन हुआ है कितना उसमें प्रोडक्शन हुआ है प्रोडक्शन मेथड का प्रयोग किया जाता है एक्सपेंडिचर मेथड का नहीं होता है कमोडिटी फ्लो वस्तु प्रवाह पद्धति का नहीं निवेश पद्धति का नहीं होता है आंसर क्या हो जाएगा गुड इवनिंग सचिन बी करेक्ट आंसर होगा पशुपालन के साथ खेती को क्या कहा जाता है पशुपालन के साथ में खेती को क्या कहेंगे मतलब आप पशुपालन भी करते हैं और खेती भी पशुपालन के साथ खेती को क्या कहा जाता है बिल्कुल 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 सचिन ऐसा पॉसिबल है बट आप थोड़ा सा प्रैक्टिस बहुत अच्छे से ध्यान दे लो सारी चीजें बहुत ध्यान से करो सब कुछ पॉसिबल है नथिंग इज नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड कुछ भी इस दुनिया में असंभव नहीं है बिकॉज इम्पॉसिबल ऑल्सो से इज आई इम्पॉसिबल जो इंपॉसिबल होता है वो भी अपने आप को कहता है कि आई एम पॉसिबल अगर इम्पॉसिबल ठीक से लिखोगे ना यही तो होती है ना यही तो होती है ना स्पेलिंग इंपॉसिबल की इसको थोड़ा अलग अलग करके लिख दो आई एम पॉसिबल मतलब खेती, तो मिश्रित खेती कहा जाता है मिली जुली खेती कहते हैं इसको मिक्सड फार्मिंग कहा जाता है मिक्सड फार्मिंग कहा जाता है ठीक है तो ये आप याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर ए होगा मिली जुली खेती से क्या तात्पर्य अभी जस्ट तो मैं बताया मैंने अभी जस्ट बताया मैंने कि मिली जुली खेती से क्या तात्पर्य है वड़ वड़ से बताओ इसका आंसर आंसर हाँ। सभी सभी आंसर करेंगे कि मिली जुली खेती से क्या तात्पर्य है नकदी और खाद्य दोनों फसलों को बोना एक ही खेत में दो अथवा अधिक फसलों को बोना एक वर्ष छोड़कर दो अथवा अधिक पौधों को बोना और पशुपालन और कृषि करना तो यहां पर अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें मिलीजुली खेती की बात की गई है तो पशुपालन और कृषि करना मतलब पशुपालन भी करना और कृषि भी करना यह मिलीजुली खेती कही जाती है अभी जस्ट बताया था ना कि आप पशुपालन कर रहे हैं और आप कृषि भी कर रहे हैं तो ये आपका क्या कहा जाएगा इसको कहा जाएगा मिलीजुली खेती मिक्स्ड फार्मिंग मिश्रित खेती भारतीय कृषि का विशिष्ट अभिलक्षण है दिस्टिंग द डिस्टिंगटिव फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इज भारतीय कृषि का विशिष्ट अभिलक्षण क्या है हां आंसर बताओ फटाफट से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अब यहां पर अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो सभी बताएंगे सभी राधे 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 जय श्री कृष्ण फटाफट से बताओ हाँ तो आंसर क्या हो जाएगा इसका इसका आंसर सी होगा कम भूमि अधिक श्रमिक अर्थव्यवस्था लेस लैंड मोर लेबर इकोनोमी सी सी करेक्ट आंसर होगा अगला है देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है देश में जो छोटे छोटे किसान हैं उनको परिभाषित किया गया है वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र है स्मॉल फार्मर्स द कंट्री होल्डिंग्स इन मतलब वो जो छोटे किसानों की बात की गई है तो छोटे किसान कौन से होते हैं कि जिनके पास एक हेक्टेयर से कम जगह है या फिर एक, एक, या फिर एक से दो हेक्टेयर जगह है या फिर दो से तीन हेक्टेयर जगह है तीन से चार हेक्टेयर तो छोटे किसानों की बात की जा रही है यहाँ पर छोटे किसानों की जब बात करेगा तो आंसर एक से दो हेक्टेयर करेक्ट आंसर होगा बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा एक से दो हेक्टेयर सीमांत किसान जो होते हैं तो हाँ एक लघु किसान कहे जाएंगे आपका छोटे किसान लघु किसान एक से दो हेक्टेयर और सीमांत किसान जो होते हैं वो आपके एक से आ, दो पॉइंट पांच हेक्टेयर से कम एक से दो पॉइंट पांच हेक्टेयर से कम ठीक है चलो आगे चलते हैं अगला प्रश्न है विजय केलकर समिति की रिपोर्ट किससे संबंधित थी विजय केलकर समिति की जो रिपोर्ट है वो किससे संबंधित थी आंसर बताएंगे आप सभी इसका फटाफट फ़ड़ से सभी सभी आंसर करेंगे सभी विजय केलकर समिति की रिपोर्ट किससे संबंधित थी द रिपोर्ट ऑफ विजय केलकर कमिटी वॉज रिलेटेड टू वॉज रिलेटेड टू तो यहां पर अगर हम विजय केलकर समिति की रिपोर्ट की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा आंसर होगा कर सुधारों से संबंधित थी तो टैक्स रिफॉर्म से संबंधित थी विजय केलकर समिति जो है 2002 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 2002 में ठीक है ये आप याद रखिएगा 2002 की रिपोर्ट जो थी वो प्रत्यक्ष कर सुधारों से संबंधित थी डायरेक्ट टैक्सेस से और जब डायरेक्ट टैक्सेस की बात की जाती है जो आप डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है प्रत्यक्ष कर प्रत्यक्ष कर का मतलब जो आप देते हैं एक होता है अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स तो जो भारत में मतलब आप टैक्स तो हर तरीके का टैक्स देते हैं लेकिन बात आ जाती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर की कि ये होते क्या है तो प्रत्यक्ष कर का मतलब है वो कर जो आपने डायरेक्ट सीधा गवर्नमेंट को दिया लेकिन अप्रत्यक्ष कर का मतलब क्या है कि आपको आपसे टैक्स तो ले लिया गया लेकिन आपको नहीं पता अब जैसे आपने आपने ये टी शर्ट ली अब टी शर्ट लेने गए तो आपसे टैक्स ले लिया गया आपको नहीं पता आपको टैक्स लगा के ही ये पैसे बताए गए आप ये बोतल मार्केट में लेने गए आप जो भी चीज ले लेके आते हैं अपने पास वो उस पर ऑलरेडी टैक्स लगा हुआ होता है वो उस पर ऑलरेडी टैक्सेस लगे हुए होते हैं तो वो वो इनडायरेक्ट टैक्स है वो अप, अप्रत्यक्ष कर है तो जो प्रत्यक्ष कर होता है उसको सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस रेगुलेट करता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है ठीक है विंटेज कारें वे कारें हैं जिनका निर्माण हुआ है था किसके बीच में हुआ था विंटेज कारों की बात की गई है विंटेज कारें वे कारें हैं जिनका निर्माण हुआ था अब जिनका निर्माण हुआ था मतलब क्या है इससे इससे मतलब है कि उ, इसका हाँ इससे क्या मतलब है इससे मतलब है कि उनका निर्माण 1918 से 1930 के बीच में हुआ 1918 से 1930 के बीच में हुआ किसी अर्थव्यवस्था का द्वितीयक क्षेत्र हवाला देता है मतलब द्वितीयक क्षेत्र कौन सा होता है भाई सीधी सी बात है द्वितीयक क्षेत्र की बात की जाती है देखो जब बात की जाती है प्राइमरी सेक्टर की प्राथमिक क्षेत्र की प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है प्राथमिक क्षेत्र का मतलब होता है प्राथमिक क्षेत्र से तात्पर्य होता है कि वो क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किया जाता है मतलब जब जिसमें आपके खेत आ जाती है जिसमें आपका पशुपालन आ जाता है मछली पालन आ जाता है ये सब प्राथमिक सेक्टर में आते हैं लेकिन आपसे पूछा गया है कि द्वितीय क्षेत्र की बात की गई तृतीय क्षेत्र की बात करते हैं तो उसमें सर्विस सेक्टर आ जाता है सेवा क्षेत्र आ जाता है तो जब सेवा क्षेत्र की बात की जाती है जैसे अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये एक सेवा है आप होटल में जाते हैं आप रेस्टोरेंट में जाते हैं आप पार्टी करते हैं आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सब सेवाएं हैं है ना तो आप जैसे रेस्टोरेंट में गए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ले तो जाएंगे नहीं है <laughs> ना तो जब आपने खा पी लिया उसके बाद में जब आपके पास बिल आता है और उसमें उसमें भी टैक्स लगा होता है हाँ उसमें भी टैक्स रहता है लेकिन जो बिल आता है मतलब जो आपने वहां पर बैठ के खाया वो सर्विस है वो सेवा क्षेत्र में चला जाएगा ठीक है तो अब यहां पर अगर हम इसके आंसर की बात करें द्वितीय क्षेत्र की बात की गई निर्माण क्षेत्र निर्माण क्षेत्र नहीं होगा ठीक है इसका आंसर क्या होगा क्या इसका आंसर निर्माण क्षेत्र होगा हाँ, करेंगे उसका अभी बच्चा उसका भी अभी देख लेंगे वह क्षेत्र का जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके वह वस्तुएं बनाता है भाई प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुएं बनाता है तो वो कहां से होगा ठीक है ये 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 प्राथमिक सेक्टर का है। उस क्षेत्र का जो अर्थव्यवस्था के लिए द्वितीय महत्व का है भाई कोई तु, वे तो कैसा बैंकिंग परिवहन आदि सेवा ये ये किस में जाते हैं ये तो तृतीय सेक्टर में आ जाएगा बैंकिंग परिवहन है ना निर्माण क्षेत्र करेक्ट आंसर होगा इसका निर्माण क्षेत्र असंगठित क्षेत्र के लिए डाटा कौन सा संगठन एकत्र करता है असंगठित क्षेत्र के लिए डाटा कौन सा संगठन एकत्र करता है हुँ. सभी सभी ने आंसर करना है जितने भी बच्चे लाइव हैं सभी आंसर करेंगे हाँ फटाफट पड़ से और यार सेशन को लाइक like शेयर भी करना है आप सभी ने सेशन को लाइक like शेयर भी करना है आंसर क्या होगा इसका असंगठित क्षेत्र की बात की गई तो इसका आंसर होगा एनएसएसओ एनएसएसओ मतलब नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो डाटा कलेक्ट करने का काम करता है मतलब किसका डाटा तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का असंगठित क्षेत्रों का जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो एनएसएसओ के द्वारा किया जाता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलो विनिवेश होता है विनिवेश क्या होता है मतलब डिस इन्वेस्टमेंट क्या होता है इन्वेस्ट्मेंट। डिस इन्वेस्ट्मेंट का मतलब है कि निजी कंपनियों तो के शेयर सरकार को बेचना क्या इसको डिस इन्वेस्टमेंट कहेंगे या फिर सरकार के शेयर निजी कंपनियों को तो बेचना मतलब सरकार के शेयर को निजी कंपनियों को देना वो डिस इन्वेस्टमेंट कहलाएगा है ना वो डिस इन्वेस्टमेंट कहलाएगा या फिर यहां पर निवेश में वृद्धि यह डिसमेंट कहलाएगा इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट या फिर व्यापारिक संस्थाओं को बंद करना प्रकार क्लोजिंग डाउन ऑफ बिजनेस एंटिटीज तो एक बात याद रखना डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे सरकारी क्षेत्र होते हैं बहुत सारे ऐसे सरक, आ, आ, जो सरकारी आ, कह सकते हैं Entities होती हैं बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं बहुत सारे ऐसे सरकार की योजना या फिर सरकार की संपत्ति होती है संप, सरकार की संपत्ति जिसमें जब प्राइवेट सेक्टर का हस्तक्षेप बढ़ता है प्राइवेट सेक्टर के लोग आते हैं तो उस कंडीशन में उस सिचुएशन में जब सरकार के शेयरों को निजी कंपनियां खरीदने लग जाती हैं सरकार अपना शेयर बेचने लग जाता है उसको डिस इन्वेस्टमेंट कहा जाता है उसको क्या कहा जाता है डिस इन्वेस्टमेंट कहा जाता है मतलब सरकार की संपत्ति में निजीकरण का होना ठीक है तो मतलब निजीकरण मतलब सरकार के शेयर को प्राइवेट लोगों को बेचना प्राइवेट कंपनियों को बेचना वो आपका डिस इन्वेस्टमेंट कहलाता है सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र में जो पब्लिक सेक्टर होता है उसमें विनिवेश को क्या कहा जाता है पब्लिक सेक्टर में विनिवेश को क्या कहा जाता है हाँ जी चल तो सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहा जाता है तो सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को जो है क्या कहते हैं आंसर क्या हो जाएगा इसको निजीकरण कहा जाएगा इसको प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है क्या कहा जाता है प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है हाँ प्राइवेटाइजेशन अनुसूचित बैंकों को पंजीयन किससे पास कराना होता है जो अनुसूचित बैंक होती हैं मतलब जो शेड्यूल्ड बैंक होती हैं उनको रजिस्ट्रेशन कराना है तो भाई किसके पास कराएंगे हाँ फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या होगा आंसर क्या होगा इसका तो अब हम अगर यहां पर इसके करेक्ट आंसर की बात करें कि अनुसूचित बैंकों को पंजीयन किससे पास कराना होता है तो आंसर इसका हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक ठीक है भारतीय रिजर्व बैंक करेक्ट आंसर होगा इसका आरबीआई से जाहिर सी बात है कि अब आ, जो शेड्यूल्ड बैंक है उनको अपने आप को पंजीयन कराना है उनको अपने आप को रजिस्टर कराना है तो वो भारतीय जो जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 है आरबीआई एक्ट 1934 उन हाँ उनके उसके हिसाब से भारत में बैंकों को कैटेगराइज किया गया है एक किया गया है अनुसूचित बैंक और एक आपका कैटेगराइज किया गया है गैर अनुसूचित बैंक तो दो, तर, दो तरह दो तरह से वर्गीकृत किया गया है और अनुसूचित बैंक ऐसे बैंक होते हैं जिन्हें आरबीआई एक्ट भारतीय रिजर्व बैंक का जो आरबीआई एक्ट 1934 है उसके अनुसार दूसरी जो सेकेंड शेड्यूल है उसमें दर्ज किया जाता है रजिस्टर किया जाता है ठीक है हाँ तो ये आप याद रखिएगा ये ये आप याद रखिएगा हालांकि इससे और ज्यादा खास तो इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा भारत में हरित क्रांति पूछा गया है कि भारत में हरित क्रांति अब तक कितना किसके मामले में सबसे अधिक सफल रही है भारत में जब हरित क्रांति की बात आती है तो अब तक किसके मामले में सबसे अधिक सफल रही है भारत में हरित क्रांति अब तक आ, स सबसे अधिक सफल रही है वर्ल्डन well तो आंसर क्या होगा इसका आंसर गेहूं हो, हो जाएगा हरित क्रांति की बात की जाती है ना तो हरित क्रांति को कृषि क्रांति भी कहा जाता है ठीक है तो और स्वामी नाथन जो है एम uh, एस स्वामीनाथन एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है भारत में हरित क्रांति का जनक ये आपको याद रखना है उन्नीस सो उन्नीस सौ सड़सठ नाइनटीन और 7 में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं कितनी बचत करते हैं अमीरों की तुलना में गरीब कितनी बचत करते हैं बताओ फटाफट से चलो बहुत शानदार अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं द पुअर सेव मोर देन द रिच अपनी आय की अपेक्षा करत बड़े हिस्से की भाई आय छोटी सी है तो बड़े बड़ा हिस्सा कहाँ से बचाएंगे वो <laughs> जब आय इतनी सी है इतू सी तो इतना सा कहाँ से बचा पाएंगे और अपनी आय के बराबर हिस्से की भैया बच्चा अगर आय जितनी आ रही जितना पैसा आ रहा है उतना खर्च कर रहे हैं बस उतना सेव कर रहे हैं सॉरी उतना बचत में डाल रहे हैं तो खाएंगे पिएंगे क्या जो अपने रोजमर्रा की जिंदगी कैसे चलाएंगे ये भी नहीं होगा बचत करते हैं पूछा गया है अपनी आय की अपेक्षाकृत छोटे हिस्से के मतलब अगर आय उसकी बहुत मतलब आय उसकी एक हजार है तो उसका बहुत छोटा हिस्सा सौ वो बचत करेंगे बहुत छोटा हिस्सा मतलब अपेक्षाकृत वो उसके ऊपर डिपेंड करता है अपनी सारी आय की भैया आप सारी आय की बचत करेगा तो रोजमर्रा की जिंदगी कैसे चलेगी है ना चलो जब मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाती है तो माल और सेवाओं की कीमत क्या होता है वेन द मनी सप्लाई इंक्रीजेज द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस बताओ फटाफट से इसका आंसर करो सभी कि इसका आंसर क्या होगा हाँ जी डन well आंसर क्या होगा मनी सप्लाई इंक्रीजेज मतलब जब मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाएगी तो माल और सेवाओं की कीमत क्या होगी मुद्रा आपूर्ति से मतलब समझ रहे मुद्रा आपूर्ति का मतलब होता है एक तो जनरली आपसे एग्जाम्पल ले लो कि आप लोग कहते हैं कि सरकार एक काम करे कि अपना बैंक है अपना आरबीआई है नोट प्रिंट भी करता है सब कुछ करता है ये जगह जगह वो लगाने से फायदा नहीं है मतलब जगह जगह आपके जो योजनाएं होती हैं वहां पैसा लगाने का कोई फायदा नहीं है वो पैसा जहां जितना वहां लगाया जा रहा है उतना पैसा जनता में बांट दिया जाए तो जनता में जब पैसा पहुंचेगा तो फिर क्या होगा भाई मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाएगी मुद्रा आपूर्ति जब बढ़ जाएगी आप समझ, स, आप मेरी बात ध्यान से समझना ये आप सभी हो जो जो अपने आप को जहां एज्यूम कर पा रहा हो वो कर लो हां अब ये आप सभी लोग हो अब ये आप सभी लोग हो ये रहे अब आपके पास अगर पैस रुपए होंगे दस तो क्या करोगे दस रुपए के तोड़ तोड़े खाओगे है खा ना क्या? दस रुपए के तोड़ तोड़े आपके पास होंगे सौ रुपए ध्यान से समझना मेरी बात आपके पास होंगे सौ रुपए तो क्या करोगे तो फिर भाई सर निन्यानवे वाला डोमिनोज का पिज्जा खाएंगे ठीक है जनाब आपके पास होंगे एक हजार रुपए तो फिर आप उस हिसाब से खर्च करोगे आपके पास अगर आ गए दस हजार रुपए तो आप गर्लफ्रेंड को ले जाओगे घुमाने भैया चलो शॉपिंग करके आएंगे अरे महिला मित्र हाँ है ना तो आपके पास दस हजार होंगे तो उस हिसाब से खर्च करोगे पता चला आपके पास एक लाख रुपए हो गया तो आपके खर्चे भैया कहेंगे आईफोन चाहिए आज ही आईफोन थर्टीन लेंगे चाहे हमें अब तो किस्तों पे लेंगे उसके बाद में पैसा ना मिले तो किडनी बेच देंगे हम लेकिन चाहिए आईफोन थर्टीन तो वो चीज आपके पास दस लाख होंगे तो खर्चे उस हिसाब से ध्यान से समझना जब मुद्रा आपूर्ति बढ़ रही है तो माल और सेवाओं की कीमत क्या होगी माल और सेवाओं की कीमत भी बढ़ेगी क्योंकि डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई उतनी होगी नहीं डिमांड तो बढ़ेगी डिमांड बढ़ जाएगी मांग बढ़ जाएगी लेकिन उतनी सप्लाई नहीं होगी उतनी पूर्ति नहीं होगी इतने बुरे नहीं हम लोग हो सकते हो क्या दिक्कत है किसान क्रेडिट कार्ड योजना को कब शुरू किया गया था किसान क्रेडिट कार्ड हाँ भोग विलासता की वस्तुएं उपयोग में लाएंगे क्या बात है इतनी शुद्ध हिंदी आशीष जी नर्मदापुरम से वाह 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 हाँ भाई थोड़ा सा ये मतलब एक बहुत बड़ी बात होती है मतलब शुद्ध हिंदी भोग भीलास्ता की वस्तु है <laughs> उपयोग <मेला। laughs> चलो बहुत सही इसका आंसर बताओ किसान क्रेडिट कार्ड उन्नीस सौ अट्ठानवे में उन्नीस सौ अट्ठानवे में ठीक है हाँ इसको रेगुलेट कौन करता है किसान क्रेडिट कार्ड को पूरा देखने का काम ये नाबार्ड के अंडर में आता है मतलब नाबार्ड इसका पूरा वो लोन वगैरह करती है आप किसी भी बैंक से लोन लें लेकिन इसके लिए जो उत्तरदायी संस्था है वो नाबार्ड है मुद्रा स्फीति की अवधि में सबसे अधिक फायदा किसका होता है हु बेनिफिट द मोस्ट ड्यूरिंग इन्फ्लेशन पीरियड इन्फ्लेशनरी पीरियड अगर महंगाई हो गई मुद्रा स्फीति हो गई तो उसमें सबसे ज्यादा फायदा किसका होगा बताओ सभी बताओ फटाफट से अगर महंगाई हुई तो सबसे ज्यादा फायदा किसका होगा बच्चों वाला सवाल है कैसे अब देखना मेरी बात सुनना ये है हमारे भाई साहब इनका नाम क्या रखूंगा मैं रुक जाओ आह क्या शकल बनिए क्या बात है अल्टीमेट अल्टीमेट वाह मेरी आर्ट को सलाम है आ जाओ कौन आएगा इसमें से आशीष जी ये हमारे प्रिय आशीष जी हैं ठीक ये आशीष है ये सकल बन जा बढ़िया सी आए हाय आए हाय आई हाय कितनी बढ़िया आर्ट बनी है वाह वाह क्या बात है क्या बात है वाह अब इसमें से हाँ ये है आपके आशीष जी हो गए ये गौरव है ठीक है ये गौरव अब ध्यान से सुनना मेरी बात अब आशीष ने मतलब गौरव ने अब सही आशीष के पास पैसे वाला लग रहा है गौरव नहीं है इतना गौरव ने आशीष से पांच साल पहले पांच साल पहले नहीं 2010 की बात कर लेते हैं बारह साल पहले 2010 में बीस हजार रुपए उधार लिए थे हाँ 2010 में कितने बीस हजार रुपए उधार लिए ठीक है उस टाइम पे उस टाइम पे महंगाई दर जो थी वो ज्यादा नहीं थी मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर आप एंड्रॉइड मोबाइल लेने जाते हैं या फिर आप कोई भी जैसे पानी की बोतल ही लेते हैं ये वाली पानी की बोतल अगर आप लेने जाते हैं हाँ ये पानी की बोतल लेने जाते हैं तो ये उस टाइम पे पांच रुपए की आती थी मैं बात कर रहा हूं दो की 2010 की आप खुद बताएंगे ध्यान से समझ के ये 2010 की और ये 2022 की तो 2010 में उस टाइम पे आप पांच रुपए की पानी की बोतल थी आपको आज की डेट में ये बोतल कितनी की की है आज की डेट में हो सकता है ये बोतल दस रुपए की मिले ठीक जस्ट एन एग्जाम्पल महंगाई बढ़ी महंगाई बढ़ी या नहीं बढ़ी आप ये बताओ महंगाई बढ़ी या नहीं बढ़ी आप ये बताओ बढ़ी ना ठीक है उस टाइम पे अगर आप कोई प्लॉट या जगह लेते तो बीस हजार रुपए में एक घर मिल जाता आप मान लीजिए कि 2010 में अगर आप एक घर लेना चाहते तो बीस हजार रुपए में आपको मिल जाता लेकिन अब अगर हम 2022 की बात करें तो वो घर की कीमत क्या बीस हजार ही होगी उस घर की कीमत कितनी होगी कितनी होगी हो सकता हो है तीस हजार हो गई हो हो सकता है चालीस हजार हो गई हो हो सकता है पचास हजार हो गई हो क्या हुआ महंगाई बढ़ी ठीक है कोई बात नहीं ये तो लिए थे जनाब ने तो उस टाइम इन्होंने अपना घर खरीद लिया कुछ भी किया उस टाइम बीस हजार की कीमत बहुत हुआ करती थी उस टाइम बीस हजार की कीमत बहुत होती थी लेकिन लेकिन अब क्या है इस टाइम पे तो इस टाइम पे जिससे जैसे आप घाटा किसको फायदा किसको हुआ इसको तो फायदा हुआ फायदा किसको हुआ इसको हुआ क्योंकि 2010 में इसने लिए थे वापस कब किए 2022 में 2022 में वापस किए बीस हजार लिए थे बीस हजार ही वापस कर रहा है ठीक है और लेकिन आशीष को क्या हुआ आशीष को घाटा हुआ क्योंकि उस टाइम पे बीस हजार की कीमत कुछ और हुआ करती थी आज की डेट में बीस हजार ही रुपए दिए तो घाटा किसको आशीष को हुआ तो अब इस कंडीशन में क्या होगा कि फायदा पूछा गया फायदा किसका अधिक होगा तो फायदे की जब बात आएगी ये आपका कौन है ये देनदार है और ये लेनदार है मतलब जिसने पैसा दिया और जिसने लिया तो इसका आंसर क्या होगा अब जब बात करें कि इसमें फायदा किसको होगा हाँ ये ये लेनदार है वो है सॉरी तो लेनदार नहीं होगा ठीक है सरकारी कर्मचारी को कोई फायदा नहीं होगा कॉर्पोरेट कर्मचारी को नहीं होगा उद्यमी को होगा उद्यमी को फायदा होगा उद्यमी को कैसे होगा ठीक उद्यमी को फायदा ऐसे होता है कि यह तो घर की हमने बात कर ली अब जैसे उद्यमी ये आशीष ये क्या है ये उद्यमी है ये एंटरप्रेन्योर है इसकी ये पानी की बोतल बनाता है मैंने पानी की बोतल बताई तो 2010 में इसने 100 बना के रख ली अचानक से महंगाई हो गई 100 बोतल बना ली अचानक से महंगाई हो गई तो उसकी तो कॉस्ट तो उतनी आई थी पैसा उस उससे ज्यादा ले लिया ठीक है हाँ चलो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि की हिंदू दर किस पद किसने बनवाया था ठीक है तो यहां पर जो है ना इसमें दो कंडीशन बनती हैं एक तो होगा उद्यमी को दूसरी कंडीशन बनती है कि फायदा इसको होगा फायदा इसको होगा अब ऐसे ही कि सपोज इसने इस, इसकी कंपनी है इसने बहुत सारे प्रोडक्ट पहले ही बना के रख लिए जैसे अब इसकी टी शर्ट की दुकान है टी शर्ट की कंपनी फैक्ट्री इसने टी शर्टे बना के रख ली पता चला कि महंगाई बढ़ गई एक साल के बाद दो साल के स्टॉक इस में इसने रख लिया बना के तो इस इस कंडीशन में इसको फायदा होता है है ना चलो बा, आ, आ, इसके हिंदू वृद्धि हिंदू की वृद्धि वृद्धि की हिंदू दर की बात कर रहा है हिंदू वृद्धि दर की बात कर रहा है तो आंसर इसका क्या होगा हिंदू ग्रोथ रेट इसका सृजन किसके द्वारा किया गया था राजकृष्ण के द्वारा राज कृष्ण के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि आंसर हाँ, क्या होगा इसका तो यहां पर अगर हम इसके करेक्ट आंसर किया भाई लेखा वर्ष पूछा गया है यहां पे वित्त वर्ष की बात नहीं कर रहा है फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं कर रहा है ये किसकी बात कर रहा है ये भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की बात कर रहा है तो जब भारतीय रिजर्व बैंक में लेखा वर्ष की बात की जाएगी ना तो जुलाई से जून होगा क्या होगा जुलाई से जून होगा अप्रैल से मार्च वित्तीय वर्ष होता है लाल अप्रैल से मार्च वित्तीय वर्ष होता है चलिए ठीक है नेक्स्ट दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं वट इज द वट इज कॉल्ड रेयर मनी दुर्लभ मुद्रा रेयर मनी किसको कहा जाता है रेयर मनी किसको कहते हैं दुर्लभ मुद्रा किसको कहा जाता है दुर्लभ मुद्रा हार्ड करेंसी ये एक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा है है ना और इसका आंसर क्या होगा ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो तो इंटरनेशनल करेंसी होगी जो इजीली नहीं होगी आसानी से सुलभ ना भाई आसानी से मिल जाएगी वो दुर्लभ कहां से हो जाएगी ऐसी मुद्रा जो सोने के रूप में ना भैया सोने के रूप में नहीं ऋण के बदले चुकाई जाती ना जो आसानी से ना मिले अच्छो केशव अवारी आवाज मेरी है कर दिया बी वाला कर दी तुम्हारी इच्छा पूरी बी वाला कर दिया बी वाला ठीक चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं यहां तक सबको क्लियर हुआ एक सवाल आपको देके जाऊंगा और आप सभी ऑफलाइन में इसका कमेंट करके आंसर करेंगे ऑफलाइन में आप सभी इसका कमेंट करके मुझे आंसर बताएंगे आप सभी आंसर करके बताएंगे इसका कि फेस्टिवल जिसे त्योहारों का भी कहा जाता है किस राज्य में मनाया जाता है इसका आंसर ऑफलाइन में कमेंट करके बता दो फटाफट बड़ से आज के सेशन को इसी के साथ में यहीं पर एंड करेंगे कल आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद आप सभी अपना ध्यान रखिएगा सबा खैर बड़ फटाफट से बताओ इसका आंसर ऑफलाइन में कमेंट करके